ये जनता समझ चुकी है और इस बार ऐसा तमाचा पढ़ने वाला है इन लोगों को। डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो पढ़ने वाला है, लेकिन पूरे देश के अंदर इन लोगों का तमाचा पढ़ने वाला है और पूरे देश में लोकतंत्र स्थापित होकर रहेगा। इन नेताओं को एहसास होगा कि ये देश ईडी सीबीआई भाजपा से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है और हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए मैं सारे वर्ग को कहना चाहूंगा, आपको बेवजह डराया जा रहा है, लेकिन आप इतना समझना कि जो व्यक्ति जिस कौम में पैदा हुआ उस कौम का नहीं हुआ। जो व्यक्ति जिस पार्टी में सरपंच से लगा के एमएलए एमपी मंत्री बना उस पार्टी का नहीं हुआ, वो व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता है। मैं भाजपा के पदाधिकारियों को भी ऐसा कहना चाहूंगा, और एक बात यह अजीब सी है, यहां के भाजपा के जिला अध्यक्ष मालवीय जी के पास भाजपा में जाने से 5 दिन पहले लेटर लिख रहे हैं। महेंद्र जीत मालवीय की जांच कराई जाए, 3000 करोड़ का घोटाला किया है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है, पेपर लीक किया है, इसमें जांच कराने की मांग करते हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष। और जैसे भाजपा की फैक्ट्री में जाने के बाद वही भाजपा के जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं कि मालवीय जी बहुत बढ़िया नेता है, तुम चलाओगे, तुम घुमाओगे, जिधर घुमाओगे उधर। और ये बांसवाड़ा डूंगरपुर की चिंता घूमने वाली नहीं है, तुमको चक्री में घुमा के पेटी में बंद करके एक देगी घर पे बिठाने का काम करेगी इस बार। इसलिए आप सभी साथियों को, इनके पास हथियार है, जिस तरह से उनके वीडियो आ रहे, किसी को कह रहे सरकार बनते ही जेल दलवा देंगे, किसी को कह रहे हेलीकॉप्टर घुमा देंगे, किसी को कह रहे इसके ये वो कर देंगे। मैं इस मंच से कहता हूं कि हमें आपसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमने इस समाज के साथ, इस क्षेत्र के प्रत्येक वर्ग के साथ जो धोखा किया है उसका बदला इस बार जरूर लेंगे। और हम भी दिखा देंगे कि देश के संविधान में ताकत है या भाजपा में ताकत है। ये लड़ाई, ये चुनाव, संविधान एक तरफ है और भाजपा एक तरफ है। हम मानेंगे कि संविधान की जीत होगी, भाजपा की हार हो। इसलिए आप सभी को कहना बहुत कुछ आ रहे हैं, समय हो गया है, मैं खुश हूं। मैंने ये प्लान किया था यहाँ से छोटा मोटा करके वहां जाके इसके बाद निकल जाएंगे, लेकिन सब लोगों की मांग आई कि नहीं, वापस सभा स्थल पे जाएंगे, वहां पर हमारे जो वक्त आ रहेगा उन सबकी बात सुनेंगे। और यहाँ तक अपने लोगों में यह हौसला है कि यहाँ से 26 तारीख तक भी बैठना पड़े तो बैठने के लिए तैयार है, ऐसा हौसला है। क्योंकि ये जनता स्वाभिमान के लिए जीने वाली है, ये जनता संविधान के लिए जीने वाली है, ये जनता आने वाली पीढ़ी के लिए जीने वाली है। ये लोग आने वाली पीढ़ी के लिए साथ अन्याय कर रहे हैं। मैंने देखा इस इलाके के अंदर पत्रकार बंधु पूछ रहे थे मुझे, क्या विजन है? विजन बहुत कुछ है, बहुत लंबा चौड़ा है, इस क्षेत्र के युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे हम लोग। पानी के मंत्री रहे, 3000 करोड़ का घोटाला किया, आज भी हमारे कुशलगढ़, गाटोर, दानपुर के लोग बेचारे तरस रहे हैं। आज आधा आधा गांव खाली होकर गुजरात पलायन पे जा रहा है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में माही और करणा से यहां से हाई कैनाल बना के जितने छोटे मोटे नाले हैं, जितने डैम हैं, उन सारे को रोटेट करने का काम करेंगे आने वाले समय के अंदर। मैं आज जो विधायक बनाया, आज जो मैं बोल रहा हूं, 2 बार विधायक 84 की जनता ने बनाया, मेरे अंदर जो ताकत आई है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन की वजह से आई है। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 10 साल के अंदर हम इतना एजुकेशन के अंदर परिवर्तन लाएंगे कि हर गांव से यहां से आरएस अधिकारी निकलने की कोशिश करेंगे हम लोग। इन लोगों ने धर्म का धंधा खोला, हम लोग स्वाभिमान का, स्वाभिमान के लिए काम करेंगे, हम लोग एजुकेशन के लिए काम करेंगे, हम लोग रिजर्वेशन के लिए काम करेंगे, हम लोग हमारे जो लोग किसान भाई खेती करते हैं उनके एमएसपी के लिए काम करेंगे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जवाहर।